Good morning, students. Today we are going to discuss the chemical reactions of fatty acids and their properties. First are the chemical reactions. Fatty acids undergo various types of chemical reactions. First reaction isme hamare paas aati hai esterification, or also known as Fischer esterification. Isme kya hota hai? It is the esterification of carboxylic acid. In this case, fatty acid by heating it with alcohol in the presence of a strong acid as catalyst. किसी भी फैटी एसिड को अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कैटलिस्ट तो हमारे पास क्या जाएगा एस्टर. ये एक फैटी एसिड है, इसमें हमने कोई भी अल्कोहल डाल दी, हमारे पास जो एच ओ आर टू था इसका एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और इसमें जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो इसके साथ लग जाएगा और हमारे पास एस्टर आ जाएगा प्लस वाटर. अब इसमें ये एस्टरिफिकेशन होती कैसे है, उसके कुछ एक स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल टू मेक इट मोर इलेक्ट्रोफिलिक. यहाँ पे सिंपल एक फैटी एसिड लेके, फैटी एसिड भी नहीं लिया है, एसिटिक एसिड के एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं. सी एच थ्री की जगह कुछ और आर ग्रुप आप लगा सकते हो. हमारे केस में फैटी एसिड है तो लॉन्ग चेन भी लगा सकते हैं. तो पहले क्या होगा, इसकी प्रोटोनेशन होगी. यहाँ पे जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, ओ डबल बॉन्ड ओ से जो कनेक्टेड है कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन आएगा और लग जाएगा. O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब क्या होगा, एक अल्कोहल आएगी, इस केस में हमारे पास इथेनॉल है. इसने क्या करना है, इसका जो ऑक्सीजन है इसने काम करना है एज न्यूक्लियोफाइल. ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है. इसने इसके ऊपर अटैक करना है और खुद जाके लग जाना है. यहाँ पे देखो इस स्टेप में सी एच थ्री ओ एच ओ एच इसके वाला एज इट इज, देन वी हैव ये पूरा का पूरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में लिंकेज हो जाता है. ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है. देन आगे क्या होगा, हमने इसकी अब डीप्रोटोनेशन करानी है. हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसमें से निकलवा देंगे, ये वाला, ये अनस्टेबल है, ये एच निकल जाएगा. ये एच जब निकलेगा तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल रह जाएगा, सी एच थ्री ओ एच ओ एच एज इट इज, फिर हमारे पास ओ सी एच टू सी एच थ्री. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि इनमें से कोई भी एक ओ एच निकाल देना है, हमने डी प्रोटोनेशन करा देनी है. देखो वही स्टेप है, पहले वही लिखा हुआ है. हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, ओ एच के साथ एक एच लग जाएगा, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस वाले ऑक्सीजन ने क्या करना है, अपने लोन पेयर देने और इस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है. ये जब पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा हमारे पास क्या आएगा, सी एच थ्री ओ के ऊपर ये बॉन्ड्स यहाँ मूव किए तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, एच लगा हुआ है, प्लस ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये ग्रुप ऐसे का ऐसे. अब लास्ट स्टेप में फिर से क्या होना है, फिर से इसकी डीप्रोटोनेशन हो जानी है. इसकी डीप्रोटोनेशन होगी, ये एच जो है निकल जाएगा, ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये एक एस्टर मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया. फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास प्रोटोनेशन हो रही है कार्बोनाइल की, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, इथेनॉल का अटैक हो रहा है और इथेनॉल का जो ऑक्सीजन है दैट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल और वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सीओ के ऊपर अटैक करता है और जाके जुड़ जाएगा. फिर हमारे पास क्या होना है इसके बाद, इसके बाद हमारी डीप्रोटोनेशन होगी. यहां से जो ये ओ एच लगा था इसका जो ये हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में अब इस पे दो ओ एच लगे हैं, इन दोनों में से एक ओ एच ने निकल जाना है. कैसे निकल रहा है,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा, फिर जो दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप पड़ा है उसने क्या करना है, अपने लोन पेयर देने और इसको निकाल देना है। ये जब निकलेगा हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया, O पॉजिटिव है, तो अब हमारे पास फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, उसने क्या करना है इस H को निकाल देना है, ये H निकलेगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा एस्टर आ जाएगा। तो ये थी हमारी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। सेकेंड रिएक्शन जो हमारी आती है इसमें फैटी एसिड्स की हाइड्रोलिसिस है। फैटी एसिड्स की हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अब ये रिवर्सल है, पहले क्या हुआ था एस्टर बन रहा था, अब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उसी एस्टर में हम वाटर डाल देंगे तो हमारे पास फैटी एसिड और सेम वही अल्कोहल आ जाएगी, उल्टा है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है फैटी एसिड का हाइड्रोलिसिस, ये एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकती है, बेस कैटलाइज्ड भी हो सकती है या एंजाइम कैटलाइज्ड भी हो सकती है। जब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी है एस्टर की हाइड्रोलिसिस की, इसमें क्या है इस रिएक्शन को हम यूज कर लेते हैं इन मेकिंग ऑफ सोप, उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। यहाँ पे हमने सिंपल एस्टरिफिकेशन की है, सॉरी यहाँ पे हमने सिंपली इसका एस्टर लिया है, सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसमें फैट्स या ऑयल्स वाला ले लेंगे तो यहाँ पे ट्राइसाइल ग्रुप लग जाएगा, तो वो सोप फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो अभी नेक्स्ट भी आएगा। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एस्टर है, एस्टर के ऊपर बेस है, कोई भी बेस मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो उसका OH नेगेटिव आयन वो क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये OH इसके साथ जुड़ गया, इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड मूव कर गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, जो इसका OCH3 ग्रुप लगा है मिथॉक्सी ग्रुप, वो क्या करेगा निकल जाएगा, ये निकलेगा, यहाँ पे सारा का सारा मॉलिक्यूल हमारे पास एज इट इज आ गया। अब कई बार क्या होता है कि ये जो OCH3 है ना नेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने लगता है, तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन भी प्रेजेंट होता है और ये अल्कोहल बन जाती है। फिर हमारे पास आता है सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। पहले हमने बेस के साथ कैटलिसिस की, अब हम एसिड के साथ करेंगे, एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड होएगा, इस ऑक्सीजन पे ऐड होएगा, OH बन जाएगा, फिर क्या होगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल में से के जुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें से एक H जो है वो निकल जाएगा, हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों दो OH आ गए, दो OH आ गए, उनमें से फिर क्या करना है, उनमें से भी क्या करना है, फिर एक H पॉजिटिव आएगा, वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यहां से जुड़ेगा, अगर आप ये H यहाँ पे जुड़ गया तो इस अलग ग्रुप को देखें तो ये मिथेनॉल है, अब ये बॉन्ड टूटेगा, हमारे पास मिथेनॉल का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा और अगले स्टेप में हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। Then is hydrogenation. Hydrogenation क्या होता है? It is the conversion of unsaturated fatty acid to saturated fatty acid using hydrogen gas. इसमें हम क्या करते हैं? कोई ना कोई metal catalyst use करते हैं. For example, platinum, palladium या nickel. Double bond जो होता है, उसको हमने क्या करना है? Convert करना है into single bond. यहाँ एक सिंपल एग्जांपल दी है, कोई भी एल्कीन की दी है, यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, जब हम प्लेटिनम या प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को लगा के इसमें से पास करेंगे तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आती है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन फैटी एसिड्स की दो तरह की हो सकती है,
पार्शियल हाइड्रोजनेशन एंड कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हमने कल किए थे फैटी एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स ऐसे थे जो अनसेचुरेटेड वाले जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, जैसे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो उसमें हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो डबल बॉन्ड ने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है, लेकिन कई बार क्या होता है वो सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट होते, दैट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन क्या होगा, जब पूरे के पूरे जितने भी दो तीन चार जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं फैटी एसिड में वो कन्वर्ट हो जाए इंटू सिंगल बॉन्ड। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड की हमने हाइड्रोजनेशन की, यहाँ पे नाइन्थ पोजीशन पे और ट्वेल्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो अगर इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी तो दोनों में से कोई एक बॉन्ड जो है कन्वर्ट होगा इंटू सिंगल बॉन्ड। जब एक हो रहा है ये वाला हो गया तो उसको बोलेंगे हम, जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ओलिक एसिड, और अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दें तो हमारे पास स्टीरिक एसिड आ जाता है। तो ये डिफरेंस है पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में। देन कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फैटी एसिड की हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सोप। इसमें क्या होता है, हम बेस की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। जैसे इस रिएक्शन में हमारे पास एक फैट है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, इसके साथ फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं, फैटी एसिड्स के इसमें से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे तो हमारे पास ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और ये हमारे पास सोप बन जाएगा, फैटी एसिड के सॉल्ट बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोप। अब हाइड्रोलिसिस कई तरीके से हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, एंजाइम से भी हो सकती है, एसिड से भी हो सकती है। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस 443 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटलिस्ट इसमें यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड। ये हमारे पास एक फैट है, उसमें से हमने वाटर पास किया, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ गया। देन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है, उसमें क्या होगा, हमारे पास कोई एंजाइम ऐड करेंगे, यूजुअली इस केस में हम क्या करते हैं लाइपेस ऐड करते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस हम एसिड से भी करा सकते हैं, एसिड के केस में हम सल्फोनिक एसिड के मिक्सचर्स को यूज करते हैं। फिर अब हमने ये तीन कर ली, हाइड्रोलिसिस बाय वाटर, एंजाइम और एसिड, ये तीनों हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट जो है वो सेम ही बनना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। लेकिन जब अगर आप इसमें ध्यान दें, यहाँ पे फ्री फैटी एसिड, यहाँ पे एच लगा है, लेकिन जब इस वाले में हमने किया था यहाँ पे सोडियम सॉल्ट लगा हुआ था। जब सोडियम सॉल्ट लग जाता है या पोटेशियम सॉल्ट लग जाता है दैट इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। मतलब बेसिकली हाइड्रोलिसिस चार तरह से होगी, वाटर से, एसिड से, बेस से और एंजाइम से। वाटर से, एसिड से और एंजाइम से जो बनता है दैट इज दिस प्रोडक्ट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लेकिन जब हम बेस ऐड करते हैं तब हमारे पास बनता है ग्लिसरॉल एंड सोप। उसी की कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं तो आ जाती है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या है, इट इज द बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सोप आएगा और एल्कोहल आएगी, ये हमारे पास ग्लिसरॉल एल्कोहल आ गई और सोप आ गया। अब ये जो सोप्स हैं इसमें क्या होता है, आपने ये यहां पे देखो CO नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, एक साइड जो है इसकी पॉजिटिवली चार्ज है, एक है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसमें क्या है, दीज हैव नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयंस एट वन एंड, दीज फॉर्म माइसील्स दैट डिसॉल्व ऑयल एंड डर्ट पार्टिकल्स।
कैसे, यहाँ पे हमारा जो आर ग्रुप था वो हो गया आपके पास नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल हो गई। ये जो लंबी चेन है कार्बन की ये रिपेल करती है वाटर को, लेकिन जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें क्या है, ये हमारा पोलर हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो ये जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, इस वजह से इसको बोलते हैं एम्फीफिलिक, जिसमें दोनों हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स लगे हों, दैट इज कॉल्ड एम्फीफिलिक कंपाउंड। तो सोप्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें ये एक की एग्जांपल ली है, सोप के मिक्सचर में क्या होगा, बहुत सारे होंगे, तो वो क्या करते हैं, जब हम सोप को अप्लाई करते हैं तो वो डर्ट पार्टिकल्स के अराउंड ना एक अरेंजमेंट सा बना लेते हैं, जैसे इस तरह का, ये हमारा चेन हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ये टेल और ये हेड, यहाँ पे डर्ट पार्टिकल है उसके अराउंड इन्होंने एक अरेंजमेंट सा बना लिया, इसको बोलते हैं माइसील फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल्स एज कंटेन नॉन पोलर आर ग्रुप एंड पोलर वाटर सॉल्वेंट फॉर्म स्फेरिकल क्लस्टर्स कॉल्ड माइसील्स, ये क्लस्टर बन जाते हैं, इनको बोलते हैं माइसील्स। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स पासिंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू ऑयल और फैट। इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोजन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यूजुअली निकल की प्रेजेंस में पास करते हैं एट हाई टेम्परेचर ऑफ 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास क्या आएगा, ये बेसिकली हाइड्रोजनेशन में होता क्या है कि आप जो लिक्विड फैट होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने सिंपल हाइड्रोजनेशन की थी, उसमें क्या किया था, फैटी एसिड की, यहाँ पे देखते हैं, ये हाइड्रोजनेशन थी, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा था सिंगल बॉन्ड में, ये फैटी एसिड की थी, फैटी एसिड ये सिंगल चेन है, लेकिन जब हम फैट और ऑयल की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर कितने सारे, तीन लगे होते हैं फैट्स फैटी एसिड्स, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, जैसे ये एग्जांपल है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसके साथ हमारे पास एक फैटी एसिड लगा है, यहाँ पे इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक है, ये जो है ओलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जब इसमें से हाइड्रोजन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमारे पास क्या आएगा, ट्राई स्टीरेट, ये ओलिक एसिड जो है वो स्टीरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके तीनों जो बॉन्ड्स है वो कन्वर्ट हो गए इंटू सिंगल बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए फैटी एसिड की हाइड्रोजनेशन, तो उसमें आपने ये सिंगल मॉलिक्यूल दिखाना है, उसमें ये ग्लिसरॉल और ये वाले सारा पार्ट नहीं दिखाना, लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास फैट्स एंड ऑयल की प्रॉपर्टीज की बात आती है तो उसमें जब आप हाइड्रोजनेशन एक्सप्लेन करेंगे तो ये पूरा का पूरा बनाना है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है, इट इज द क्लीवेज रिएक्शन इन विच फैट्स या ऑयल मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद एक्सेस हाइड्रोजन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम कैटलिस्ट। और होता क्या है, जो आपका फैट है इतने हाई प्रेशर में और कॉपर और क्रोमियम की प्रेजेंस में इट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड एलिफेटिक अल्कोहल। पहले हमने जब हाइड्रोलिसिस की थी तो उसमें हमारे पास ग्लिसरॉल बनता था, लेकिन साथ में हमारे पास फैटी यहाँ पे एसिड बन जाता था या सोप बन रहा था, सोप बन रहा था, या यहाँ पे देखो अगर रिएक्शन ये फ्री फैटी एसिड बन रहे थे या सोप बन रहा था, लेकिन इस केस में जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजिनोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल बनती है, ग्लिसरॉल प्लस हायर एलिफेटिक अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन हमारे पास आती है इसकी, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज द कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइट मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन। कभी आपने घर पे देखा हो, अगर घी या तेल बहुत पुराना पड़ा हो उसको आप
या बहुत ज्यादा देर तक लाइट में पड़ा रह जाए या धूप में पड़ा रह जाए या खुला रह जाए उसका डब्बा, तो उसमें से एक गंदी सी स्मेल हॉक सी आने लग जाती है. दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी ऑफ ऑयल. कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है या हाइड्रोलिसिस हो जाती है. इसके रीजंस क्या हैं? ऑक्सीडेशन है या हाइड्रोलिसिस है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. अब इसके बाद आपका लास्ट सिर्फ वैल्यूज रह गई हैं.